हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी है या फिर भू संतुलन का जो सिद्धांत है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं आइसोस्टेसी है क्या। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ पे अलग अलग तरह के शेप दिखाई देते हैं, जैसे कि हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत हैं, इसके साथ ही बड़े बड़े समुद्र हैं, नदियाँ हैं, पर्वत के साथ में पठार हैं, आपके मैदान हो गए। तो इस तरह से यानी अलग अलग शेप हैं, लेकिन फिर भी हमारी अर्थ पे देखिए एक ऐसी स्टेट बनी हुई है कि ये सभी चीज़ें अपनी जगह पे स्थिर हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें लगातार हलचल होती रहे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे गिरे जाके। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि हमारी अर्थ जो है इस पे एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों बनी हुई है, या फिर कह लीजिए कि ये सभी जो पर्वत पठार वगैरह हैं ये अपने स्थान पे स्थित क्यों हैं। तो इस चीज़ का आंसर हमें देती है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो इस तरह से आइसोस्टेसी का मतलब हो गया कि एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी। और किसके बीच में है ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी, जो हमारे ऊपर उठे हुए पार्ट्स हैं, यानी कि अपस्टैंडिंग पार्ट्स हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, पठार हो गया। तो जो हमारे अपस्टैंडिंग पार्ट्स हैं, और उसके साथ ही जो हमारे लो लाइंग बेसिन हैं, जैसे कि हमारी नदियाँ हो गई, इसके साथ ही हमारे समुद्र हो गए यानी ओशियंस हो गए। तो इन दोनों के बीच में, यानी अपस्टैंडिंग पार्ट्स और लो लाइंग पार्ट्स के बीच में जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है, उसी को हम कहते हैं आइसोस्टेसी। अब देखिए, यहाँ पे जो बात डिस्कस होने जा रही है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो देखिए, जो हमारी अर्थ की सरफेस है, यानी कि ये मान लीजिए हमारी अर्थ का तल हो गया, तो इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पे एक पर्वत है और यहाँ पे एक ओशियन है, यानी कि ये हमारा एक समुद्र हो गया। तो अब देखिए, ये दोनों का जाहिर सी बात है भार वगैरह अलग अलग होगा, यानी कि इन दोनों का जो वेट है वो अलग अलग होगा। लेकिन अब देखिए, ये दोनों ही स्थिर बने रहे हमारी जो पृथ्वी का तल है उसके ऊपर, यानी कि एक तरह से इनमें स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बनी रहे। तो इसके लिए क्या जरूरी होगी कि इनका भार एक कोई ऐसी रेखा हो जिसके ऊपर बराबर बराबर पड़ता हो। यानी कि मान लीजिए नीचे एक यहां पे एक लाइन है जिसके ऊपर जितना भार पर्वत डाल रहा है, यानी कि जितना वेट इस पर्वत का पड़ रहा है, सेम इतना ही वेट इस ओशियन का पड़ रहा है। यानी कि ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर चाहे कोई पठार हो, चाहे कोई मैदान हो, इन सभी का भार समान है। तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे क्षतिपूर्ति तल या लेवल ऑफ कंपनसेशन। तो इसकी देखिए बार बार बात होगी, जब हम किसी का भी विचार पढ़ेंगे तो उसमें बार बार बात आएगी कि लेवल ऑफ कंपनसेशन। तो देखिए, लेवल ऑफ कंपनसेशन यानी इस लाइन की इंपॉर्टेंस यही है कि इसके ऊपर कोई भी आकृति हो, इनमें से सभी का भार समान रूप से पड़ रहा है या सभी का वेट समान रूप से इसके ऊपर पड़ रहा है, और इस वजह से अर्थ के ऊपर एक संतुलन की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग थ्योरी लेके आएंगे कि इन चीज़ों का भार जो इस रेखा के ऊपर समान रूप से पड़ रहा है, इसका रीज़न क्या है। यानी कि ये बात तो है कि इस रेखा के ऊपर इन सभी का भार, यानी कि जितनी भी आकृतियाँ हैं, इन सभी का भार समान रूप से पड़ रहा है, लेकिन इसका रीज़न क्या है, ये अब अलग अलग लोग एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, आज हम लोग सर जॉर्ज एरी की संकल्पना जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ इसकी हिस्ट्री को बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं। तो देखिए, क्या हुआ कि इंडिया में कुछ स्थानों की जो आप कह लीजिए लैटिट्यूडनल पोजीशन है, या फिर कह लीजिए अक्षांशीय माप है, उसको निर्धारित किया जा रहा था। तो ऐसे में दो स्थान थे, एक कल्याण, दूसरा कल्याणपुर। तो कल्याण और कल्याणपुर की जो अक्षांशीय माप थी उसमें कुछ वेरिएशन आ गया, यानी कि इन दोनों स्थानों की जो लैटिट्यूडनल पोजीशन थी उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा था, जो उपकरण यूज़ होते हैं वो कुछ डिफरेंस दिखा रहे थे। और यहाँ पे देखिए, दो तरीकों से ये मेज़रमेंट किया जा रहा था। एक ट्रायंगुलेशन मेथड था, जिसे हिंदी में कहेंगे त्रिभुजीकरण मेथड, और दूसरा था खगोलीय मेथड, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल मेथड। तो इन दोनों तरीकों से जब कल्याण और कल्याणपुर में आपका जो अक्षांशीय माप है उसका निर्धारण किया जा रहा था, तो इसमें कुछ वेरिएशन आ गया जो कि 5.236 के आसपास था। तो जब ये वेरिएशन आया तो इसका रीज़न सोचा गया। तो ऐसे में कहा गया कि जो कल्याण स्थान है, यानी कि जो एक स्थान है कल्याण, वो हिमालय के बहुत पास में है, और हिमालय जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हिमालय की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो यहाँ पे उपकरण काम कर रहे हैं कल्याण में, वो कुछ गड़बड़ी दिखा रहे हैं, यानी कह लीजिए कि कुछ जो है डिफरेंस आ रहा है 5.236 के आसपास। इसके बाद देखिए, जो प्रॉट हैं, प्रॉट भी ज्योग्राफर हैं, उनका भी सिद्धांत आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की, और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये बात सामने आई कि ये जो वेरिएशन 5.236 का दिख रहा है, इसको एक्चुअली 15.885 होना चाहिए था। यानी कि ये जो वेरिएशन आया है 5.236 का, इसको प्रॉट की कैलकुलेशन के हिसाब से 15.885 होना चाहिए था। तो अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जो हिमालय है उसकी जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, या जितनी उसकी आकर्षण शक्ति है, उससे कम शक्ति का वो उपयोग क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर हिमालय अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा होता तो वेरिएशन इतना आता, लेकिन जो एक्चुअल वेरिएशन है वो केवल यहाँ तक आ रहा है 5.236
36 तक आ रहा है, तो ऐसे में हिमालय की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे कम ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई दे रही है, तो इसका रीज़न क्या है? तो ये दूसरा क्वेश्चन उठा। अब देखिए बात करते हैं एरी ने जो अपना सिद्धांत दिया। तो देखिए जब ये क्वेश्चन उठा कि जो वेरिएशन है वो कुछ कम क्यों है, यानी कि हिमालय की आकर्षण शक्ति जितनी होना चाहिए उससे कुछ कम क्यों है, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हो सकता है कि हिमालय का केवल बाहरी भाग ठोस हो और इसके अंदर का जो भाग है वो ठोस ना हो, यानी कि वो खाली हो, खोखला हो, तो इस वजह से हिमालय की हम जितनी आकर्षण शक्ति समझ रहे हैं उससे कम होगी, क्योंकि अंदर का भाग तो ठोस है ही नहीं, वो तो खोखला है, तो हिमालय का वजन कम हो गया और ऐसे में उसकी जो आकर्षण शक्ति है वो भी कम हो गई। लेकिन जॉर्ज एरी ने कहा कि बेकार की बात है, यानी कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं हो सकता है, वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग लास्ट में समझेंगे कि कैसे अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। तो अब देखिए एरी कहते हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट अधिक घनत्व वाले स्तर में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो जो नीचे मेंटिल है उसके ऊपर तैर रहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो लिथोस्फीयर है यानी कि ऊपरी परत है वो एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है, या फिर इसी को आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सियाल है यानी कि जो ऊपरी परत है जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है ये सीमा पे यानी कि जो सिलिका और मैग्नीज से बनी परत है इसके ऊपर तैर रही है। तो ये पहली बात देखिए जॉर्ज एरी ने बताई कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है, और इस तरह से जो हमारा हिमालय है वो मैग्मा के ऊपर तैर रहा है, यानी कि ऊपर हिमालय हो गया लिथोस्फीयर में और नीचे एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा हो गया, और जो हमारा हिमालय है इस मैग्मा के ऊपर तैर रहा है। अब देखिए आगे की सारी बात समझने की है। तो देखिए एरी कहते हैं कि एक जो नाव होती है उसका एक बड़ा भाग पानी के अंदर डूबा होता है, यानी कि एक नाव जब तैर रही होती है तो उसका एक बड़ा भाग पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। इसी तरह से बाद में देखिए एक एग्जांपल यह भी दिया गया कि एक जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है यानी कि जिसे हम आइसबर्ग कहते हैं जो समुद्र में तैरते रहते हैं, तो ये जो आइसबर्ग होते हैं इनका कुछ भाग हमें ऊपर दिखाई देता है लेकिन इससे एक ज़्यादा बड़ा भाग यानी कि उसके जो नौ भाग हैं, यानी कि अगर ये एक पार्ट ऊपर है तो इसके नौ पार्ट के बराबर का हिस्सा नीचे होगा, पानी के अंदर होगा। तो इसी आधार पे देखिए एरी ने कहा कि अब जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय का जितना बड़ा भाग पृथ्वी के बाहर हमें दिखाई देता है इससे लगभग लगभग नौ गुना बड़ा भाग, देखिए नौ गुने की बात एरी ने नहीं कही थी, इसको बाद में कैलकुलेट किया गया था कि लगभग इससे नौ गुना बड़ा भाग हिमालय का जो हमारा सबस्ट्रेटम है या जो हमारी एस्थेनोस्फीयर है जिसके ऊपर हमारी लिथोस्फीयर तैर रही है उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि जो हमारा सीमा है इसके अंदर, इस वाले भाग के अंदर, सीमा वाले भाग के अंदर हिमालय का एक बड़ा भाग जो है डूबा हुआ है, यानी कि ये एक बड़ा भाग इसका डूबा हुआ है सबस्ट्रेटम में। तो इस बात को एरी ने उठाया। और इसी तरह से अब मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक समुद्र है तो उसका भी कुछ भाग जो है सीमा में डूबा होगा, यानी कि जितना भाग ऊपर है उससे कुछ बड़ा भाग सीमा के अंदर डूबा होगा, नीचे वाली लेयर में डूबा होगा। इसी तरह से एक मैदान है तो इसका भी कुछ भाग जो है नीचे डूबा होगा। तो इस बात को एरी ने उठाया। इसी के साथ देखिए एरी ये भी कहते हैं कि हमारी क्रस्ट के ऊपर जितने भी ये आकार दिखाई देते हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, तो इन सभी का जो घनत्व है, इन सभी की जो डेंसिटी है वो समान है, लेकिन जो इन सभी की थिकनेस है या कह लीजिए जो इनकी गहराई वगैरह है उसमें डिफरेंस होता है। तो इसको देखिए एरी ने एक अपना प्रयोग के द्वारा प्रूफ भी किया। तो एरी ने क्या किया कि एक देखिए कह लीजिए कि एक बर्तन ले लिया, एक पात्र ले लिया और इसमें कुछ पारा भर दिया, तो ये कुछ पारा भर दिया और उसके बाद जो लोहे की छड़ें होती या लोहे की रॉड्स होती हैं, आयरन रॉड्स होती हैं, उनको इस पारे में डुबो दिया। तो ऐसा करके एरी यही प्रूफ कर रहे थे कि देखिए ये जितनी भी रॉड्स हैं इन सभी की जो डेंसिटी है वो समान है लेकिन इनकी जो लंबाई है उसमें भिन्नता है, यानी कि इनकी लंबाई है या जो इनकी गहराई है वो अलग अलग है। तो अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही एरी ने मान लीजिए पहली रॉड डाली तो इस रॉड की मान लीजिए लंबाई बाकियों से कम थी, तो इसका कुछ हिस्सा ऊपर रहा और बाकी का कुछ हिस्सा नीचे डूब गया। फिर देखिए दूसरी जो मान लीजिए जो एरी ने रॉड डाली वो इससे कुछ पड़ी थी, लोहे की जो रॉड डाली वो इससे कुछ पड़ी थी, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो रॉड है इसका कुछ ज़्यादा हिस्सा ऊपर रहा और इसका कुछ इससे ज़्यादा हिस्सा नीचे डूब गया। तो इस तरह से अलग अलग रॉड्स में दिखाई दिया कि जो रॉड जितनी बड़ी थी उसका उतना ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा बाहर रहा और उतना ही ज़्यादा हिस्सा नीचे भी डूब गया। तो इस तरह से एरी ने ये प्रूफ कर दिया कि जो समान डेंसिटी वाले अर्थ के ऊपर अलग अलग आकार दिखाई देते हैं इन सभी आकार की डेंसिटी समान है लेकिन क्योंकि इनकी थिकनेस अलग अलग है, इनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसलिए ये अलग अलग गहराई तक जो हमारी एस्थेनोस्फीयर है, जो हमारी सीमा है, उसमें डूबे रहते हैं।
अब देखिए आगे की सारी बात समझने की है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल, जिसके बारे में हमने देखा था कि एक ऐसी लाइन होना चाहिए जिसके ऊपर जितनी भी आकृतियाँ हैं सभी बराबर रूप से भार डाल रही हों, यानी कि इस लाइन के ऊपर ये जितनी भी आकृतियाँ हैं इन सभी का भार समान हो। तो अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं कि ये भार समान कैसे होगा। ऊपर का भाग देखिए सियाल हो गया, यानी कि जिससे ये सारे पदार्थ बने हुए हैं। तो अब देखिए ये हमारे मान लीजिए माउंटेन्स हो गए, इसको आप पठार मान लीजिए या फिर मैदान मान लीजिए, प्लेन्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ये दूसरी आकृति हो गई और ये तीसरा हमारा ओशियन हो गया। तो अब हमें देखना इन सब के बीच में कैसे किस तरह का सामंजस्य बनता है कि इन सभी का भार इस रेखा के ऊपर समान पड़ता है। तो अब देखिए ऐसे में क्या होगा कि जो हमारे माउंटेन्स हैं ये जितना ऊपर हैं उससे कुछ ज़्यादा नीचे डूबे हुए हैं, तो ये जो हमारा माउंटेन हो गया इसका एक बड़ा भाग ये जो येलो आपको दिख रहा है ये अंदर डूबा हुआ है सीमा के, तो ये जितना भी ब्लू मटेरियल है ये हमारा सीमा हो गया। और ये जो सियाल का बना हुआ मैटर है, यानी कि ये जो माउंटेन्स या हो गए या फिर ये जो हमारे पठार हो गए, प्लेन्स हो गए या ओशियन हो गए, ये सारे डूबे हुए हैं हमारे सीमा के अंदर, तो ये ब्लू कलर हमें सीमा इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए जितना ये पदार्थ भीतर डूबा हुआ है या कह लीजिए इस पर्वत का जितना भाग नीचे डूबा हुआ है, इतने भाग में आपको सीमा तो दिखाई नहीं देगा, यानी कि ये ब्लू वाला पार्ट तो दिखाई नहीं देगा, तो इसमें जो सीमा की उपस्थिति है वो कम है, यानी कि इसमें ये जो सीमा है केवल इतने भाग में स्थित है। वहीं पर ये जो दूसरा प्लेन वाला भाग है, ये जो प्लेन है इसका कुछ ही भाग डूबा हुआ है, तो बाकी भाग में आपको सीमा दिखाई दे रहा है, और जो सीमा का घनत्व है, जो सीमा की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा डेंस पार्ट जो है या फिर कह लीजिए अधिक घनत्व वाला जो सीमा है, जो मेंटिल है, वो इसमें ज़्यादा मात्रा में है और इसमें पर्वत वाले में कम मात्रा में है। और इसमें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा ओशियन वाले में, क्योंकि इसमें जो डूबा हुआ भाग है वो बहुत कम है, तो ऐसे में जितना भी भाग है बाकी का खाली स्थान है उसमें सारा आपको सीमा दिखाई देने लगेगा या कह लीजिए मेंटिल दिखाई देने लगेगा। तो इसीलिए इस वाले पार्ट में जो ब्लू वाला भाग है ये बहुत ज़्यादा है, या कह लीजिए जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से देखिए फाइनली बात हमें यह पता चली कि जो ज़्यादा बड़े आकार वाले होते हैं, ज़्यादा ऊंचाई वाले आकार होते हैं, जैसे कि हमने पर्वत के बारे में देखा, तो इनके नीचे जो ज़्यादा घनत्व वाला, यानी कि ज़्यादा घनत्व वाला जो पदार्थ होता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला जो मटेरियल होता है वो कम मात्रा में होता है। और वहीं पर जो हमने देखा कि कम ऊंचाई वाले आकार होते हैं, कम ऊंचाई वाले शेप होते हैं, जैसे कि ये ओशियन हो गया, तो इसके नीचे जो ज़्यादा घनत्व वाला पदार्थ होता है, जो ज़्यादा डेंसिटी वाला पदार्थ होता है, वो ज़्यादा मात्रा में होता है। और इस तरह से इनके बीच में एक ये जो संभार रेखा है इसके ऊपर संतुलन की दशा बनी रहती है, यानी कि इस तरह से ये जो संतुलन रेखा है इसके ऊपर सभी बराबर भार रखते हैं, क्योंकि इनके पास अब देखिए यहाँ पे जो ज़्यादा घनत्व वाला पदार्थ है वो कम है और यहाँ पे जो ज़्यादा घनत्व वाला पदार्थ है वो ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो टोटल भार है वो इन सभी का समान हो जाता है। अब देखिए हम लोग इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने देखा था कि हिमालय जो है मैग्मा पे तैर रहा है, हमने देखा था कि जो सियाल है वो सीमा पे तैर रहा है। अब हिमालय जो सबस्ट्रेटम के ऊपरी भाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार काफ़ी गहराई तक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हिमालय काफ़ी नीचे तक सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ है, जैसे कि नाव जो है जल में डूबी रहती है। तो इस प्रकार हिमालय का जो है 79,632 मीटर भाग जो है हल्के पदार्थ का बना होगा और सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ होगा, यानी कि अंदर डूबा हुआ होगा। इस तरह हिमालय हल्के पदार्थ की एक लंबी जड़ सबस्ट्रेटम में डूबी है जो ऊपरी पदार्थ को संतुलित करती है, यानी कि ये जो नीचे वाली जड़ है, ये जो हल्के पदार्थ से बनी है, एक लाइट मटेरियल से बनी है, जो हल्की वाली जड़ है, ये जो है ऊपर का जो हिमालय है इस पार्ट को संतुलित करती है और इसी वजह से हिमालय अपनी स्थान पर टिका हुआ है। इस प्रकार जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा। हम लोगों ने देखा कि जो शेप जो है ज्यादा ऊंचे होते हैं उनका बड़ा भाग जो है इस सबस्ट्रेटम में डूबा होता है, यानी कि नीचे वाली लेयर में डूबा होता है, और जो शेप कम ऊंचे हैं, यानी जिन शेप्स की ऊंचाई कम है, उनका कम भाग नीचे वाली लेयर में डूबा होता है। तो एरी ने बताया कि जो अलग अलग स्तंभ होते हैं या कह लीजिए अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, पठार हो गया, तो जो अलग अलग शेप होते हैं उन सभी की जो डेंसिटी है वो एक इक्वल होती है, बराबर होती है, और जो इनकी गहराई है उसमें परिवर्तन होता है, इसीलिए ये अलग अलग गहराई तक डूबते हैं। तो लोहे की छड़ से जो उन्होंने प्रयोग किया था, लोहे की रॉड से, उसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऊँचे जो भाग होते हैं काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ के द्वारा सब स्ट्रेटम में अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, यानी कि
यानी कि देखिए जो ऊंचे पार्ट होंगे, ऊंचे भाग होंगे, इनका निचला भाग भी ज़्यादा लंबा होगा, कह लीजिए ज़्यादा गहराई तक गया होगा, तो इसलिए ज़्यादा स्थान को कवर कर लेगा और इसीलिए जो अर्थ की जो कह लीजिए क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा पाया जाता है उसका कम पार्ट यहाँ पे आ पाएगा, क्योंकि ज़्यादा पार्ट तो इस शेप ने ही अपने कब्जे में कर लिया, अपने पास कर लिया है, तो कम भाग बचेगा जहाँ पे ये मैग्मा आ पाएगा। तो इसीलिए इनके नीचे जो ज़्यादा घनत्व वाला पदार्थ है, जो कह लीजिए कि हाई डेंसिटी वाला मटेरियल है, वो कम होता है, और वहीं पे जो छोटे शेप होंगे, कम ऊंचे शेप होंगे, उनके नीचे ये जो हाई डेंसिटी वाला पदार्थ होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कम स्थान ग्रहण कर पाएंगे। फिर देखिए इसके विपरीत जो है कम ऊंचाई वाले भाग, जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में हटा पाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जो हाई डेंसिटी वाला पदार्थ है इसको ये कुछ ही मात्रा में हटा पा रहा है, बाकी ज़्यादा पार्ट यहीं पर है, और सबस्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। और इस प्रकार से जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं और जो निचले भाग हैं एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं और प्रत्येक संतुलन रेखा पर बराबर भार रखता है। देखिए इसमें ये जो एरी की संकल्पना, इसमें एक प्रॉब्लम भी है। ये कहा जाता है कि एरी कहते हैं कि हिमालय का जितना भाग ऊपर है उसका उससे काफ़ी नीचे भाग होगा, यानी कि काफ़ी बड़ा भाग उससे नीचे गहराई में डूबा हुआ होगा। तो अब ये जो डूबा हुआ भाग है ये बहुत ज़्यादा गहराई तक पहुँचता है, और इतनी गहराई में जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसकी एरी बात करते हैं ये पिघल जाएगा, यानी कि ये अपनी इस अवस्था में नहीं रह सकता है, ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है, ये पिघल जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो हिमालय की जितनी लंबी रूट, या कह लीजिए जितनी लंबी नींव, एक तरह से हम जिसे कहते हैं जड़, जिसे हम कहते हैं, तो जितनी लंबी जड़ की बात एरी कर रहे हैं उतनी लंबी जड़ होना हिमालय की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ के नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये एरी के सिद्धांत में एक प्रॉब्लम भी है। तो फ्रेंड्स एरी का सिद्धांत यहीं पे कन्वर होता है। अब हम लोग प्राट की संकल्पना पे बात करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।